और क्लॉक में हम लोग जो है फर्स्ट लेक्चर में हमने एंगल कैलकुलेशन के बारे में चेक किया था कि किस तरह से हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में हम लोग एंगल कैलकुलेट करेंगे। आज हम लोग टाइम कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले, और टाइम कैलकुलेशन से पहले कुछ एंगल कैलकुलेशन के जो डाउट्स है मैं क्लियर कर दूं। काफी सारे बच्चों के ये डाउट्स थे। एक चीज मैं बता दूं कि सपोज कर ले, ये अपने पास क्लॉक है और इस क्लॉक में सपोज कर ले अपने पास 3 o'clock हो रहा है, 3 o'clock का टाइम है। तो यहां पे हम लोग ये क्लियर करना चाहते हैं कि हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में, यानी ये तो आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में यहां से एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। लेकिन हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में सिर्फ ये 90 डिग्री ही एंगल नहीं है, हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, जो कि 360 माइनस 90, ये 270 है, 270 डिग्री का एंगल है। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम लोग हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में एंगल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दो एंगल मिलेंगे, एक तो इस साइड एंगल होगा, एक दूसरे साइड ये एंगल होगा। तो जब भी अपने पास हमें ऑप्शन चेक करना होगा, हमें ऑप्शन चेक करना होगा, अगर सपोज कर ले हमने कैलकुलेशन किया फॉर्मूले से, जैसे फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था कि थीटा इक्वल टू 1/2 60h - 11m। अगर इस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेशन के बाद जो अपना एंगल आ रहा है, सपोज कर लो अगर 190 डिग्री है और अपने ऑप्शन में ये कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि 190 डिग्री का अपने पास कोई ऑप्शन है, तो इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या करना होगा, हमें रिक्वायर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए 360 डिग्री में से 190 डिग्री को माइनस करना होगा, फिर ये यहां से 170 डिग्री आएगा जो कि ऑप्शन मिलेगा। तो इस रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के सिचुएशन अगर अपने ऑप्शन में ना मिले, हमें क्या करना होगा, 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस करना होगा, फिर अपना रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। जैसे सपोज कर लिया है कैलकुलेशन के बाद हमें मिला 270 डिग्री और अपने ऑप्शन में 270 नहीं है लेकिन 90 है, इसका मीनिंग क्या है, 360 है, टोटल एंगल 360 होगा। तो 360 में से हम लोग 270 को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो रिक्वायर्ड एंगल होगा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। तो ये एक डाउट था, जिस डाउट को हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम लोग टाइम कैलकुलेशन पर चलते हैं और टाइम कैलकुलेशन को डिटेल में चेक करेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम लोग वो भी चेक करेंगे। तो देखते हैं टाइम कैलकुलेशन और टाइम कैलकुलेशन के लिए क्या लॉजिक है, पहले उस लॉजिक पे आते हैं हम लोग और लॉजिक स्टार्ट करते हैं टाइम कैलकुलेशन पे। तो टाइम कैलकुलेशन में फर्स्ट हम लोग फिर से उसी तरह से एक वॉच लेते हैं, एक हमने क्लॉक ले लिया और सपोज कर ले हमने शुरू में ही लिया था कि कोई हम लोग क्लॉक और इस क्लॉक में 1 o'clock का टाइम हो रहा है, हमने उसी के अकॉर्डिंग ले लिया 1 o'clock का टाइम हो रहा है, ये 1 and 12 का टाइम। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन क्या करेंगे कि इस मिनट हैंड से आगे आवर हैंड कितना है, मिनट हैंड से आगे आवर हैंड कितना है, तो ये 1 hour है एंड 1 hour दैट इज 60 मिनट है। तो आवर हैंड अहेड अहेड ऑफ मिनट हैंड बाई 60 मिनट। सिमिलरली मिनट हैंड अहेड ऑफ आवर हैंड बाई मिनट हैंड अहेड ऑफ आवर हैंड बाई 55 मिनट। दोनों का कंपेरिजन स्पीड हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 55 मिनट, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 12/11 आ जाएगा। तो ये 12/11 एक दूसरे का कंपेरिजन है, एक दूसरे के बीच कंपेरिजन में जो रिलेटिव स्पीड होगा मिनट हैंड और आवर हैंड का, वो 12/11 के कंपेरिजन में चल रहा है। हमें सिर्फ इस फैक्टर को ध्यान में रखना है क्योंकि इस फैक्टर से हम लोग आगे बहुत सारे कंसेप्ट सॉल्व करने वाले हैं, तो इस फैक्टर को 12/11 हमें याद रखना है और किस तरह से ये 12/11 आया हम लोगों ने चेक किया। तो अब हम लोग आते हैं कुछ मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि उन मल्टीप्लीकेशन को हम लोग बार बार यूज करेंगे यहाँ क्लॉक में। तो जो मल्टीप्लीकेशन है उन मल्टीप्लीकेशन को हम लोग चेक करते हैं, 1 by 1 करके उन मल्टीप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन हम लोग लेंगे 5 × 12/11 दैट इज 5 5/11। हमें इसी तरह से मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा 10 × 12/11 दैट इज 10 10/11, 15 × 12/11 दैट इज 16 4/11, 20 × 12/11 दैट इज 21 9/11, 25 × 12/11 दैट इज 27 3/11, 30 × 12/11 दैट इज 32 8/11, 35 × 12/11 दैट इज 38 2/11,
40 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 दैट इज 43, 7 बाई 11, 45 मल्टीप्लाई 12 बाई 11, 45 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 दैट इज 49, 1 बाई 11 एंड 50 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 दैट इज 54, 6 बाई 11 एंड 55 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 ये 5 ये जाएगा 60। तो ये मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने चेक किया, इस मल्टीप्लीकेशन को हम लोग यूज करेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने इस मल्टीप्लीकेशन को लिखा है और इस मल्टीप्लीकेशन हमें आता है हम लोग इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। ये 5, 10, 15, 20 हमने कॉरस्पॉन्डिंग मिनट ले रखा है और उसी मिनट हमने क्या कर रखा है 20 या 12 बाई 11 से मल्टीप्लाई कर। तो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर कि फाइंड द टाइम या फिर एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock, 3 o'clock एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock the hands of clock are at right angle. ये क्वेश्चन है अपने पास कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट राइट एंगल, यानी 2 से 3 के बीच में हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है वो 90 डिग्री का एंगल जब बनाएंगे तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, हमें उस टाइम को फाइंड आउट करना होगा, यानी किस टाइम पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock। तो इसके सोल्यूशन के लिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सिचुएशन फाइंड आउट करेंगे कि 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में 90 डिग्री का सिचुएशन क्या है, कब बनेगा वो 90 डिग्री। तो 2 o'clock और 3 o'clock में 90 डिग्री हमें पता है कि सिंगल सेपरेशन किसके इक्वल है, हमने चेक किया था कि सिंगल सेपरेशन अगर हम लोग बात करें तो सिंगल सेपरेशन में एंगल कितने डिग्री का होता है तो 30 डिग्री का होता है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में हमने एंगल पहले फाइंड आउट किया था। तो 12 से 1 के बीच में एंगल कितना है 30 है और वैसे भी टोटल 360 का एंगल है और टोटल 12 सेपरेशन से 1 से 12 तक तो हम लोग क्या करेंगे 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का ई सेपरेशन मिलेगा। तो सिंगल सेपरेशन 30 डिग्री है तो 90 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा थ्री सेपरेशन जो होगा वो होगा अपने पास 90 डिग्री का इक्वल, थ्री सेपरेशन 90 डिग्री का इक्वल होगा, यानी 12 से 3 के बीच में ले लें या 3 से 6 के बीच में ले लें कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा। हमें क्या करना है 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में हमें 90 डिग्री के सिचुएशन फाइंड आउट करने हैं। तो 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में जब हम लोग 90 डिग्री का सिचुएशन फाइंड आउट करेंगे तो पहले डायग्राम से मैं समझा देता हूं कि किस तरह से होगा। सपोज कि ये तो 1 हो गया ये 2 हो गया, तो 2 o'clock का मीनिंग क्या है कि ये आवर हैंड क्या है 2 पर और मिनट हैंड क्या है 12 पर, ये 2 o'clock का सिचुएशन है। अभी एंगल कितना है ये 2 सेपरेशन है तो 60 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। 90 डिग्री कब होगा आवर हैंड को हम लोग क्या करेंगे इस 2 o'clock पर फिक्स रखेंगे, इसको मूव नहीं कराना है। तो आवर हैंड को अगर 2 o'clock पर हमने फिक्स कर दिया तो इसका मीनिंग क्या है कि आप सेपरेशन हमें कितना मिनट हैंड को लेफ्ट या राइट मूव करके और हमें क्या करना होगा इस 90 डिग्री के एंगल को मेंटेन करना होगा या फिर 3 सेपरेशन को मेंटेन करना होगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, अभी अगर हम लोग चेक करें तो यहां से क्या सिचुएशन है कि इसके पीछे चले तो 1, 2, 3 तो वो 155 टाइम मिलेगा, तो 155 टाइम मिलेगा, यानी पीछे की तरफ चले तो 3 सेपरेशन कितने पे कंप्लीट होता है, पीछे अगर हम लोग चले तो हमें तो क्या करना है हमें सिर्फ 2 और 3 के बीच में लेना है, तो वो 155 2 और 3 के बीच का एंगल है। तो आगे चलते हैं तो आगे अपने पास ये 3 है ये 4 है ये 5 है ये 6 है, तो 2 से यानी आवर हैंड को हमने क्या कर दिया यही फिक्स कर दिया। अब आगे चलते हैं मिनट हैंड के लिए, तो मिनट हैंड अगर इसको क्रॉस करके आगे की तरफ आए तो 1 सेपरेशन फिर ये 4 पर आया 2 सेपरेशन फिर ये 5 पर आया तो 3 सेपरेशन, यानी इस सिचुएशन पर यानी अगर 225 टाइम हो रहा है सपोज कर लेते हो कि आवर हैंड हमने क्या कहां फिक्स कर दिया 2 पर और मिनट हैंड कहां पर आया 5 पर, तब इन दोनों के बीच का एंगल की है सेपरेशन कितना 3 सेपरेशन मेंटेन हो रहा है और 3 सेपरेशन 90 डिग्री के इक्वल है। तो एक अप्रोक्सीमेट टाइम हमें फाइंड आउट करना है जो टाइम हमारे पास यहाँ 225 आ चुका है। अब हमें यहां पर करना क्या है 2 तो एज इट इज रहेगा और 25 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 करेंगे तो एक्यूरेट टाइम हमें मिल जाएगा, ये तो एक अप्रोक्सीमेट टाइम था। और 25 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 इज 27, 3 बाई 11
तो 227 3 बाई 11 टाइम होगा, जब क्या होगा 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री हो, यानी 2 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक के बीच में 90 डिग्री कब होगा, जब टाइम का बराबर 227 3 बाई 11 ये एग्जैक्ट टाइम होगा। ये अप्रोक्सीमेशन था, अप्रोक्सीमेशन क्यों था ये, क्योंकि अगर 25 पर अपना आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, जिसका मीनिंग क्या है कि 25 मिनट में आवर हैंड भी तो यहां से आगे गया होगा, तो 25 मिनट में आवर हैंड जब आगे चला गया तो ये फिर सेपरेशन 3 नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इस मिनट हैंड और आगे जाना होगा, तब जाकर के 90 डिग्री का एंगल मेंटेन होगा। तो हमें करना क्या है कि अप्रोक्सीमेट सिचुएशन ले लेना, और उस अप्रोक्सीमेट सिचुएशन में 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका मिनट के साथ, और उससे जो सॉल्व होकर आएगा वो अपना एक्यूरेट टाइम होगा, तो ये आंसर आएगा यहाँ पर इसी टाइम पर 90 डिग्री होगा 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में। तो इसीलिए हमने लिया है यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन पहले से, ताकि हम लोग के पास जो भी टाइम है उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई करते चले जाए और यहाँ से रिजल्ट देख देख के लिखते चले जाए। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो होगा कि 90 डिग्री 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में कब बनेगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में ही हम लोग चेक कर रहे हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock द हेड्स ऑफ क्लॉक आर एट 0 degree, आर एट 0 degree एंड 180 degree ले लेते हैं। अब देखो 0 degree का मीनिंग क्या है, 0 degree का फर्स्ट हम लोग सोल्यूशन लेंगे कि 0 degree का मीनिंग क्या है कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड ओवरलैप कर रहे हैं, तो आवर हैंड को हमने पहले बोला था कि आवर हैंड अब क्या होगा प्रीवियस वैल्यू पर फिक्स कर देना है, तो आवर हैंड तो 2 पर है और मिनट हैंड 2 पर आएगा अगेन तो जाकर के 0 degree होगा, तो आवर हैंड भी 2 पर मिनट हैंड भी 2 पर, तो इसका मीनिंग टाइम क्या होगा 2 10। ये सिचुएशन हमने 0 degree का बनाया, अब इसमें क्या करना है 2 10 × 12/11 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 10 × 12/11 इज 10 10/11 तो ये हो गया अपने पास टाइम 0 degree के लिए। अब हम लोग 180 degree का सिचुएशन लेंगे, तो 180 degree का सिचुएशन कब होगा, जस्ट अपोजिट में, या फिर अपने पास क्या होगा 6 का गैप हो, तो 6 का गैप हो तो 6 × 30 180 हो जाएगा, या फिर जस्ट अपोजिट में हो, तो हमने आवर हैंड को तो 2 पर फिक्स कर दिया, आवर हैंड को 2 पर फिक्स कर दिया, 2 के जस्ट अपोजिट कौन सा नंबर होगा, अगर वॉच में बात करें तो 2 के जस्ट अपोजिट 8 है और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनट कितना है 40 मिनट है, तो 240 अपने पास आ गया टाइम, और इसमें क्या करेंगे इसको तो एज इट इज रखना है 2 और 40 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 12/11 कर देंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 2 और 40 मल्टीप्लाई 12/11 इज 43 7/11, तो 43 7/11 टाइम होगा जब 180 डिग्री का एंगल बने 2 और 3 के बीच में। तो हम लोग कर क्या रहे, एग्जैक्ट आइडिया हमें लग रहा है कि हमें एक अप्रोक्सीमेट टाइम ढूंढना होगा और उस अप्रोक्सीमेट टाइम में के मिनट में क्या कर देना है 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना और उसको फर्दर सॉल्व करने के बाद अपना एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, और इसके लिए हमने ये टेबल बना रखा है, यहां से देख देख के हम लोग क्या कर रहे हैं फुट कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हमने पहले से लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करते हैं, इसी पर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग टाइम रेंज को चेंज करने वाले, और टाइम रेंज को चेंज करके हम लोग क्या करेंगे यहां से इस 2 o'clock को और 3 o'clock को हटाते हैं, कुछ और रख लेते हैं और यहां पर अब तीनों ले लेंगे 0, 180 एंड 90 भी रख लेते हैं, तीनों एक साथ कैलकुलेशन करते चलेंगे। अब हमने ले लिया सपोज कर लिया यहां पर 6 o'clock और यहां पर ले लेते हैं 7 o'clock, यानी 6 o'clock और 7 o'clock के बीच में, 6 o'clock और 7 o'clock के बीच में फर्स्ट तो है कि 0 degree कब होगा, सेकेंड है अपने पास कि 180 डिग्री कब होगा, और नेक्स्ट अपने पास कि 90 डिग्री कब होगा। तो ये तीन सिचुएशन हमने ले लिए, तो पहले 0 degree पर आते हैं, अब 6 और 7 के बीच में 0 degree कब होगा, जब ओवरलैपिंग का केस हो, यानी आवर हैंड को तो हमें प्रीवियस वैल्यू पर फिक्स कर देना, आवर हैंड को तो कहां रखेंगे 6 पर ही रखेंगे, तो आवर हैंड को 6 पर रखेंगे, सभी में 6 पर रखेंगे आवर हैंड को, ये 6 पर रख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, 0 degree का मीनिंग क्या है कि मिनट हैंड भी 6 पर हो, तो मिनट हैंड 6 पर हो तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनट कितना होता है 30। अब हमें क्या करना है 180 degree, तो 6 के जस्ट ऑपोजिट अपने पास कौन सा नंबर होता है, तो 6 के जस्ट ऑपोजिट अपने पास नंबर कौन सा होता है 12 होता है, और 12 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनट कितना होता है, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनट जो है अपने पास वो कितना है, वो है 60 मिनट। नेक्स्ट अपने पास 90 degree, तो 90 degree के लिए अपने पास यहां पे दो सिचुएशन बनेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है 3 सेपरेशन यहां पर मेंटेन करना है, तो एक तो अपने पास 3 सेपरेशन यानी 6 में से हम लोग क्या करें, एक तो 6 15 आ जाएगा और एक 6 45 आ जाएगा, तो एक 6 15 हो जाएगा अपने पास और एक 6 45 हो जाएगा,
क्योंकि यहां पर भी अपने पास क्या था, 6 से प्लस 3 करें या माइनस 3 करें, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनट कितना 15, और 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनट कितना 45, तो 90 डिग्री के दो सिचुएशन बनेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, इसी मिनट में 12 बाई 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 मल्टीप्लाई 12 बाई 11, अब यहां से एक्यूरेट टाइम मिल जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 इज 32 8 बाई 11, तो 32 8 बाई 11 यानी 632 8 बाई 11 पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमने चेक कर लिया। अब 90 डिग्री पहले चेक कर लेते हैं, तो 90 डिग्री चेक करेंगे तो 6 और यहां हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 12 बाई 11, तो यह आ जाएगा 6 और 15 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 अपने पास कितना है 16 4 बाई 11, तो 6 16 4 बाई 11 पर फर्स्ट टाइम 90 डिग्री होगा, ये फर्स्ट 90 डिग्री। फिर हमने क्या कर दिया 645, तो 645 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 कर देंगे और 45 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 जो है अपने पास 645 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 दैट इज 49 1 बाई 11, तो ये सेकंड टाइम अपने पास 90 डिग्री आ गया, सेकंड 90 डिग्री। अब हम लोग ले लेते हैं यहां पर कि हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना है, हमारा क्वेश्चन है 6 ओ क्लॉक और 7 ओ क्लॉक के बीच में 180 डिग्री, तो 6 ओ क्लॉक और 7 ओ क्लॉक के बीच में कोई 180 डिग्री नहीं होगा क्योंकि 660 तो कितना हो गया, ये 7 ओ क्लॉक हो गया, 7 ओ क्लॉक हो गया और हमें उनके बीच में फाइंड आउट करना था। फर्दर अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 करेंगे तो ये और ज्यादा चला जाएगा, यानी 660 से भी ज्यादा हो जाएगा, 7 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो 7 से भी ज्यादा होगा, इसका मीनिंग क्या है कि कोई 180 डिग्री 6 और 7 के बीच में नहीं होगा, 6 से पहले होगा और 7 के, ये 6 ओ क्लॉक पर तो होगा लेकिन हम लोग इन बिटवीन बात कर रहे हैं, 6 ओ क्लॉक पर तो ऑलरेडी 60 डिग्री है अपने पास, जिसका मीनिंग हम लोग इन बिटवीन बात कर रहे थे कि 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री, तो 6 और 7 के बीच में कोई 180 डिग्री नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को चेंज करके और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को लेते हैं, और प्रॉब्लम है अपने पास एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 ओ क्लॉक एंड 6 ओ क्लॉक, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 ओ क्लॉक एंड 6 ओ क्लॉक द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर 3 मिनट अपार्ट। यानी क्वेश्चन ये है कि 5 ओ क्लॉक और 6 ओ क्लॉक के बीच में जब हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में 3 मिनट का गैप हो तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है, यानी आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में हमें कितना गैप मेंटेन करना है, 3 मिनट का गैप मेंटेन करना है। तो 3 मिनट का गैप मेंटेन करना है तो इसका सोल्यूशन चेक करते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले अपने पास टाइम कितना दे रखा है 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में हमें कहां से लेना है कि हम लोग आवर हैंड अपने कहां फिक्स कर चुके, तो आवर हैंड हम लोग कितने पर 5 पर फिक्स कर चुके, पहले भी हम लोग कह रहे थे प्रीवियस वैल्यू पर आवर हैंड को फिक्स कर दे, तो आवर हैंड हम लोग 5 पर फिक्स कर चुके, इसका मीनिंग है कि अपना आवर हैंड कहां है, तो आवर हैंड हमने 5 पर फिक्स कर दिया है, आवर हैंड को हमने 5 पर फिक्स कर दिया, ये अपना 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो आवर हैंड को हम लोग क्या कर चुके, इस लाइन पर फिक्स कर चुके। अब यहीं से हमें क्या करना है, ये तो आवर हैंड है, यहीं से हमें 3 मिनट का गैप चेक करना है, तो ये तो ऑलरेडी कितना होता है, ये 25 मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो 25 माइनस 3 करेंगे और प्लस 3 करेंगे क्योंकि वो 3 मिनट के गैप इससे आगे भी हो सकता है, इससे पीछे भी हो सकता है, तो 25 माइनस 3 जब करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, यानी एक तो अपना टाइम आएगा 522, पहले अगर प्रीवियस इसको माइनस 3 कर दिया तो ये तो 5 आवर हो गया और 25 माइनस 3 तो 522 टाइम आ गया। एक हम लोग करेंगे 25 प्लस 3 क्योंकि 25 में 3 ऐड कर देंगे तो 28, तो एक इसके आगे मिलेगा अपने पास जो कि मिलेगा 528। तो ये दो सिचुएशन है जहां पर 3 मिनट का गैप मेंटेन हो सकता है, तो अब हम लोग इनको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे 522 को, तो 22 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 उसी तरह से सॉल्व करना है यहां भी कि क्या करना है, मिनट में 12 बाई 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 टू जा ये 22 तो 524, यानी एक तो टाइम आ गया 524 पर क्या होगा 3 मिनट का गैप मेंटेन होगा, 3 मिनट के गैप मेंटेन। एक हम लोग क्या करेंगे, हमने ले रखा 528, तो 28 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 कर देंगे और इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिलेगा, यहां से 28 मल्टीप्लाई 12 पहले चेक कर लेते हैं कि 28 मल्टीप्लाई 12 कितना है, तो ये 56 एंड 28 ये हो जाएगा 6
और ये हो जाएगा 3 and 3, 336। तो 336 डिवाइडेड बाई 11 भी करना है, तो 336 डिवाइडेड बाई 11 कर लेते हैं, तो 11 थ्री जा ये 36, तो 30 आ जाएगा, और 11 थ्री जा 33, और ये 6 आ गया। तो ये कितना आ गया अपने पास, यहां से अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अपने पास 30। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से सॉल्व करने के बाद ये पहले लिख लेते हैं इसे, इसको हमने लिख लिया कि 5, और ये कितना आ गया 336 बाई 11। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 36 और 11 अपने पास है, तो रिमेनिंग अपने पास कितना 30 मल्टीप्लाई 11, तो 30 मल्टीप्लाई 11 और 6 है अपने पास। तो ये इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5 36 बाई 11 ये आ जाएगा। यहां से ये कितना हो गया 11 3 30 और प्लस 336 बाई 11, तो ये आ गया। तो यहां से एक अपने पास 3 मिनट का गैप यहां पर मेंटेन होगा। यानी इस तरह की प्रॉब्लम अगर अपने पास आए तो हमें क्या करना है, पहले आवर हैंड को तो प्रीवियस वैल्यू पर फिक्स कर ही देना, उस आवर हैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिनट होगा उसी में जो दिया जाएगा अपने पास, एक बार प्लस करके निकालेंगे, एक बार माइनस करके निकालेंगे, और दोनों वैल्यूज को दोनों टाइम का लिख लेंगे, और फिर उसके मिनट में 12/11 से मल्टीप्लाई करके दोनों रिजल्ट को निकालेंगे, और वो क्या होगा अपना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, जहां से हमें क्या करना है इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक बार बेस्ट एक दो क्वेश्चन और लेते हैं किस तरह की क्या सिचुएशन बनेगा। एक हम लोग यहां से टेबल बना के देखते हैं, टेबल क्या कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 12 आवर में, तो 12 आवर में 0 डिग्री कितने बनेंगे, 90 डिग्री कितने बनेंगे और 180 डिग्री कितने बनेंगे, और फिर हम लोग लेंगे 24 आवर में, तो 24 आवर में फिर 0 डिग्री कितने होंगे, 90 कितने होंगे और 180 कितने होंगे, कितने कितने आएंगे ये कैलकुलेशन करना चाहते। तो 0 डिग्री 12 आवर में 11 टाइम्स होंगे, 180 डिग्री भी 11 टाइम्स होंगे, 90 डिग्री 22 टाइम्स होंगे, फिर 24 आवर में इसका डबल कर देंगे तो ये 22 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 22 टाइम्स हो जाएगा, और ये 44 टाइम्स हो जाएगा। यानी सिचुएशन यहां पर ये है कि 12 घंटे में 11 टाइम्स 0 डिग्री है, तो 12 आवर में अगर 11 टाइम्स 0 डिग्री है तो इसका मीनिंग है कि हर एक घंटे में एक बार तो सिचुएशन बन रहा है, लेकिन एक कम हो रहा है उसके बाद भी, तो वो कम कहां पर होगा, जहां पर इसका सिचुएशन एक्यूरेट बन रहा है, जिसे 12 को क्लॉक पर एग्जैक्ट 0 डिग्री होता है, तो 11 से 12 के बीच में कोई 0 डिग्री नहीं होगा और 12 से 1 के बीच में कोई 0 डिग्री नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है कि 11 से 1 के बीच में 2 सेपरेशन है लेकिन सिंगल 0 डिग्री बन रहा है, बाकी हर एक घंटे में एक 0 डिग्री बनेगा। इसका मीनिंग क्या है कि वहां पर 2 घंटे में एक ही बन रहा है तो हर एक घंटे में एक बनेगा, तो टोटल कितने हो गए 11 0 डिग्री हो गए। सिमिलर कंडीशन अपने पास 180 डिग्री का, 180 डिग्री एग्जैक्ट 180 डिग्री 6 क्लॉक पर होता है, अब 6 क्लॉक से 1 घंटा पहले और 6 क्लॉक के 1 आवर आफ्टर, तो यानी 5 क्लॉक से 6 क्लॉक के बीच में कोई 180 डिग्री नहीं होता, 6 क्लॉक से 7 क्लॉक के बीच में भी कोई 180 डिग्री नहीं होता, यानी 6 क्लॉक और 5 क्लॉक एंड 7 क्लॉक के बीच में सिर्फ सिंगल 180 डिग्री होगा, बाकी हर एक घंटे में एक बार 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से 11 हो जाते हैं। 90 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो एक्सेप्ट 90 डिग्री 3 क्लॉक पर अपना बनता है और एक 9 क्लॉक पर होता है, तो 3 क्लॉक से यानी हर एक घंटे में दो बार बन रहा है, तभी अपने पास ये 12/24 होना चाहिए था, 12/24 का सिचुएशन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर अपने पास क्या है 2 कम है, तो वो 2 कब कब कम होंगे उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। तो 3 क्लॉक पर एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो 3 क्लॉक पर एग्जैक्ट 90 डिग्री है, इसका मीनिंग है कि 3 से पहले और 3 के बाद, यानी 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, तो 2 से 4 के बीच में टोटल 2 सेपरेशन यानी 490 डिग्री होने चाहिए थे, लेकिन यहां 390 डिग्री होते हैं, एक 2 से 3 के बीच में, एक 3 क्लॉक पर और एक 3 से 4 के बीच में, तो एक तो कम यहां पर हो गया, यानी 2 से 4 के बीच में टोटल 4 होने चाहिए थे 90 डिग्री, लेकिन वहां 3 ही हो रहे। सिमिलर कंडीशन इसके अपोजिट चलते हैं, 8 ओ क्लॉक से 10 ओ क्लॉक के बीच में, यानी 9 ओ क्लॉक पर तो एग्जैक्ट 90 डिग्री है ही, तो उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद, तो 8 ओ क्लॉक से 10 ओ क्लॉक के बीच में 390 डिग्री ही होंगे, जबकि 4 होने चाहिए थे, तो एक तो कम हो गया 2 से 4 के बीच में और एक कम हो गया 8 ओ क्लॉक से 10 ओ क्लॉक के बीच में, तो 2 कम हो गए, यानी 12 आवर में अपने पास कितने हो गए 2290 डिग्री हो गए। तो ये अपने पास है और इसी को हमने डबल कर दिया, समय क्या मिलेगा 24 आवर का सिचुएशन। नेक्स्ट हम लोग अब चेक करते, वो तो हमने क्लियर कर लिया, एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहां से लेते हैं कि हाउ मेनी 90 डिग्री विल बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 90 डिग्री विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन
इन बिटवीन 8 o'clock टू 11 o'clock, यानी 8 o'clock से 11 o'clock के बीच में कितने 90 डिग्री होंगे, तो अप्रोक्सीमेशन चेक करेंगे हम लोग। हमें पता है कि 8 o'clock से 10 o'clock के बीच में, 10 o'clock के बीच में कितने 90 डिग्री होते हैं, 3। 8 o'clock से 10 o'clock के बीच में 390 डिग्री होंगे, क्योंकि 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में 1 होता है, एक 9 o'clock पर है और एक 9 से 10 के बीच में है। ये तो 3 हो गए। अब हमें क्या करना है, 10 से 11 के बीच में, तो 10 से 11 के बीच में 2, बाकी तो हर एक घंटे में दो बार होंगे, उधर 2 से 4 के बीच में फिर कम हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, ये 1 + 1 + 1, 3 + 2, टोटल कितने हो गए, तो 5 हो गए, यानी टोटल जो 90 डिग्री होंगे इनके बीच में, टोटल 90 डिग्री वो कितने होंगे, 5 होंगे। यानी 8 o'clock से 11 o'clock के बीच में टोटल 90 डिग्री कितने होंगे, 5 होंगे, 8 से 10 के बीच में 3 और 10 से 11 के बीच में 2, तो टोटल 90 डिग्री इनके बीच में कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके फिर उसका पैटर्न चेंज करते हैं, जैसे हमने पहले लिया था उस तरह के एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock टू 8 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock टू 8 o'clock the hands of clock are at 90 degree, 0 degree and 180 degree, ये निकाल। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, सीधा लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री, हमने पहले भी बात किया था कि 7 o'clock पर अपने आवर हैंड को फिक्स कर देना है, तो 90 डिग्री कब होगा, 7 + 3, 7 - 3, दैट इज 35, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनट होगा, तो 35 + 15, 3 मीन्स 15 मिनट, तो 35 + 15, 35 - 15, तो 7 o'clock पर तो क्या होगा, ये तो फिक्स हो गया आवर हैंड, तो इतने होगा। अब 35 - 15, तो 35 - 15 दैट इज 20, तो 720 पर एक सिचुएशन बनेगा 90 डिग्री का, और एक सिचुएशन बनेगा 720, यानी 35 + 15, तो 750 पर बनेगा। यानी ये वही सिचुएशन हम लोग बात कर रहे थे कि सब हर एक घंटे में दो बार 90 डिग्री होगा, तो हर एक घंटे में 7 से 8 के बीच में तो दो बार होगा, ये अप्रोक्सीमेशन पर नहीं है, अप्रोक्सीमेशन हमने कहा लिया था 8 से 10 के बीच में और 2 से 4 के बीच में, तो ये तो अपने 7 से 8 जो है वो अलग है। अब क्या कर देना है इसमें, 12 / 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्यूरेट टाइम तो निकालना ही है, इसमें 12 ये कितना हो जाएगा, 721 9 / 11 हो गया, और ये कितना हो गया, 754 6 / 11 हो गया। तो ये अपने पास आ चुका है कि 7 से 8 के बीच में दो अपने पास ऐसे टाइम मिलेंगे जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 20 और 50 वाला हमने 20 × 12 = 11, 21 × 9 = 11 and 50 × 12 = 11 = 54 6/11, तो 90 डिग्री का सिचुएशन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 0 डिग्री पर आते हैं, तो 0 डिग्री के लिए आवर तो अपने कहां पर फिक्स हो गया, 7 पर फिक्स हो गया। अब 0 डिग्री कब बनेगा, जब मिनट हैंड भी कहां हो, 7 पर हो, अब मिनट हैंड 7 पर होगा, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनट कितना, 35, तो 35 × 12 = 11 कर लेते हैं, तो ये कितना जाएगा, 7 35 × 12 = 38 2/11, तो 7 38 2/11 अपने पास ये एक्यूरेट टाइम मिल गया जब 0 डिग्री का एंगल हो। अब 180 पर आते हैं, तो 180 का मीनिंग क्या है कि ये तो 7 पर फिक्स कर दिया हमने, 7 पर तो आवर हैंड तो अपने सभी में फिक्स होगा, प्रीवियस वैल्यू पर फिक्स होगा। अब हमें 180 डिग्री, तो 7 के जस्ट अपोजिट, 180 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट चेक करना है कौन सा नंबर होगा, तो 7 के जस्ट अपोजिट कौन सा नंबर होता है वॉच में, 1 होता है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनट क्या है, 5 मिनट, तो 7 5 और 5 × 12 = 11, ये कितना आ गया, 7 5 5/11, तो ये आ गया अपने पास 180 डिग्री का जब टाइम, यानी जब 7 से 8 के बीच में 180 हो तो ये टाइम हो, जब 0 डिग्री हो तो ये टाइम हो, जब 90 हो तो उसके लिए दो सिचुएशन मिलेंगे और उन दोनों के लिए ये दोनों टाइम अपने पास की गए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, तो ये मल्टीप्लीकेशन को हम लोग अपने प्रॉब्लम का फिर ऑप्शन देखते ही हम लोग आंसर बता सकते हैं। सिर्फ हमें सिचुएशन ही तो फाइंड आउट करना, और सिचुएशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी है अपने पास, तो सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन अगर हमें याद है तो हम बहुत ईजी गोइंग सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हैं। और इन मल्टीप्लीकेशन को क्या, 5 5 का मल्टीप्लीकेशन 12/11 के साथ 5 5/11, 10 का 10 10/11,
अब इसके बाद हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ध्यान देंगे इसका लॉजिक भी है कि जैसे 5 + 5 = 10 हो गया, फिर ये यानी एक बार 5 ऐड किया, एक बार 6 ऐड किया 16, फिर 5 ऐड किया 21, फिर 6 ऐड किया, फिर यहाँ पर 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 5 ऐड कर रहे, फिर 6 ऐड कर रहे, फिर हमने 5 ऐड कर दिया, फिर 6 ऐड कर दिया। दूसरी चीज, ये कंप्लीट होगा, जैसे ये 5 + 5 = 10 हो गया, 10 + 10 = 20 हो गया, 16 + 4 = 20 हो गया, 21 + 9 = 30 हो गया, 27 + 3 = 30 हो गया, 22 + 8 = 40 हो गया। तो ये अपने पास क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल है जो अपने पास उसके टेंथ के मल्टीपल है उसमें कन्वर्ट होते चले जाएंगे, बाकी मल्टीप्लाई हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं टाइम कैलकुलेशन पर बेस्ड, हम लोग प्रॉब्लम इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम और मैं ले लेता हूं टाइम कैलकुलेशन पर बेस्ड। नेक्स्ट हमने ले लिया, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8:00 to 9:00 the hands of clock are 2 minutes apart। ये देखिए, यानी हैंड्स ऑफ क्लॉक क्या है, 2 मिनट आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जब 2 मिनट का गैप हो, तो 2 मिनट का गैप हो तो कितना टाइम होगा, किस टाइम पर ये सिचुएशन बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या, 8:00। तो 8:00 क्या है, इसका मीनिंग क्या है, 8 और उसके बाद टाइम लगा। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें करना क्या, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होता है 40 मिनट। क्या करना है इसमें, एक बार हम लोग क्या कर देंगे -2 कर देंगे, और एक बार क्या कर देंगे +2 कर देंगे, यानी -2 मिनट और +2 मिनट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास, ये कितना 38 मिनट, 40 - 2 ये 38 मिनट हो गया, और ये कितना हो गया 42 मिनट हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या आ गया, एक तो 8:38 आ गया टाइम, और दूसरा कितना आ गया 8:42 आ गया। अब 38 × 12/11 करके निकाल देंगे, इसमें 42 × 12/11 करके निकालेंगे। अब इसे जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा, एक तो आंसर ये मिलेगा, और इससे जो निकल के आएगा वो आंसर मिलेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है हमें, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमने टाइम कैलकुलेशन चेक किया कि टाइम कैलकुलेशन के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे चेक करेंगे, और टाइम कैलकुलेशन पर बेस्ड असाइनमेंट है मैं सेंड कर दूंगा, और किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगी इस पर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।